एक बार शहंशाह अकबर और मंत्री बीरबल बागीचे में वार्तालाप कर रहे होते हैं। शहंशाह अकबर मंत्री बीरबल से कहते हैं, बीरबल हम जानना चाहते हैं हमारी प्रजा हमसे खुश है या नहीं, वे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बताओ बीरबल क्या करना चाहिए। हुजूर इसके लिए आपको स्वयं राज्य के लोगों के बीच जाना होगा। क्या मतलब बीरबल? हुजूर आंखों देखे हाल से बेहतर कुछ और हो ही नहीं सकता। यह कैसे संभव है? संभव है हुजूर, बीरबल के कहे अनुसार वे लोग अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। इस वेशभूषा में तो हमें कोई पहचान ही नहीं सकता बीरबल। फिर जहांपनाह और बीरबल दोनों आम इंसान बनकर राज्य का दौरा करने निकल पड़ते हैं। लोगों के मुंह से स्वयं की तारीफ सुनकर शहंशाह अकबर बहुत खुश होते हैं। शाम होने पर वे दोनों अपने महल जा रहे होते हैं, तभी शहंशाह को एक मधुर आवाज सुनाई देती है और वे उसकी आवाज में खिंचे चले जाते हैं। वे दोनों देखते हैं कि वह मधुर गीत तो एक छोटी बच्ची गा रही होती है। शहंशाह अकबर उस मधुर गीत में खो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस बच्ची का पिता आता है। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों खड़े हैं? हमें यहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी हमें एक मधुर गीत सुनाई देता है जो कि आपकी बच्ची गा रही होती है। हम इस बच्ची के गीत से मनमुग्ध हो गए। हम इस बच्ची को इनाम स्वरूप 2 चांदी के सिक्के देना चाहते हैं। उस आदमी को लालच आ जाता है। वह उन दोनों को व्यापारी समझकर उनसे और सिक्के लेने की सोचता है। मेरी बच्ची के गीत के 2 चांदी के सिक्के नहीं 10 चांदी के सिक्के लगते हैं। शहंशाह अकबर और बीरबल दोनों समझ जाते हैं कि ये एक लालची आदमी है। पर शहंशाह अकबर कहते हैं, नहीं तुमने गलत कहा, इस गीत के 10 चांदी के सिक्के नहीं 100 चांदी के सिक्के लगने चाहिए। यह सुनकर वह आदमी बड़ा ही खुश हो जाता है। लेकिन तुम्हें 100 चांदी के सिक्के लेने के लिए हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। ठीक है चलो। वह आदमी मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है, 100 चांदी के सिक्कों से मैं एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करूंगा या फिर मैं एक बड़ा सा महल बनवाऊंगा। पूरे रास्ते वह आदमी यही सोचता रहता है। फिर एक जगह पहुंचकर शहंशाह अकबर कहते हैं, अब तुम जा सकते हो। और वो 100 चांदी के सिक्के? तुम्हारी बच्ची का मधुर गीत सुनकर हम 2 पल के लिए मनमुग्ध हो गए। वैसे ही तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देने की बात से तुम पूरे रास्ते मनमुग्ध हो गए, इसलिए हिसाब बराबर हो गया। सब सुनकर वह आदमी वापस चला जाता है। हुजूर आज मैं कहूँगा, मान गए जहाँपनाह, आज आपने उसे सिखा दिया कि ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए।